Hello dear students, again I am on my YouTube channel. So today my topic of discussion is very important for your board examination. I think you all know we are discussing this video series for class 10th students. So nowadays we are discussing on photosynthesis. Today I am going to discuss very important topic. So that is about light. Factors, all the factors which are affecting the rate of photosynthesis. The first factor here I have taken is light. तो आप स्टूडेंट थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे कि इस लाइट इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, पहली बात तो अगर नो लाइट तो नो फोटोसिंथेसिस, ओके? इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी. दूसरे पॉइंट आता है कि लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा. लेकिन फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस रेट विल इंक्रीज. लेकिन स्टूडेंट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन पॉइंट तक ही बढ़ेगा. उसके बाद क्या होगा, ये हो सकता है यहाँ पे डिक्लाइन होने लगे. एक सेचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट. ओके, इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम लोग बात करें तो लाइट इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यहाँ पे ये सेचुरेशन पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस सेचुरेट हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, लिमिट कर. और अगर मैं बताऊं कि जो प्लांट्स होते हैं, वो जो हमारे पास 7 कलर्स हैं विबग्योर के, उसमें सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को, ब्लू लाइट और रेड लाइट को क्लोरोफिल मेनली अब्सॉर्ब करते हैं, ब्लू रीजन को और रेड रीजन को. और यहीं पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, ब्लू और रेड रीजन फोटोसिंथेसिस रेट मैक्सिमम. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं दूसरे फैक्टर पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक लाइट फैक्टर आपको क्लियर. अगले फैक्टर पे आते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर का फर्क देखें अगर हम लोग, तो टेम्परेचर के लिए मैं एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा वर्ड यूज करने वाली हूँ, ऑप्टिमम. और ऑप्टिमम का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना, ना ज्यादा ना कम. तो फोटोसिंथेसिस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया. आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं डार्क रिएक्शन में, और जो एंजाइम्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को, जो एंजाइम का रिएक्शन है वो टेम्परेचर के चेंज से इफेक्टेड होगा. अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी चेंज होगा, फोटोसिंथेसिस भी चेंज होगी. बहुत कम टेम्परेचर पे भी एंजाइम एक्टिव नहीं होता है. जैसे कि आपको मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस के लिए एक एंजाइम है रुबिस्को. ओके, तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. आप इतना समझिए कि यहाँ पे एक एंजाइम है रुबिस्को, जिसको कि हम लोग पेस मेकर एंजाइम बोल रहे हैं. ओके, तो क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी इनएक्टिव हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे भी. तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, दिस कंडीशन इज इम्पोर्टेंट. ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम. दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर का इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट फैक्टर हमारा है वॉटर. तो वाटर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता है कि वाटर एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसको हम लिमिटिंग मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है. दिस इज वन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स. सो वाटर डेफिशिएंसी ड्यूरिंग सनी आफ्टरनून, आप देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा सनलाइट है, सनी आफ्टरनून है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है. और इसका प्राइमरी इफेक्ट हम लोग ड्राई कंडीशंस में देख सकते हैं, जब स्टोमेटा क्लोज हो सकता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. आप पिछले हमारे टॉपिक्स पे जा सकते हैं, पिछले वीडियोस तो आप देख सकते हैं, स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है. मैंने पोटेशियम आयन थ्योरी और
शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी दो थ्योरीज भी बताएंगे एक वीडियो में, तो यू कैन वॉच माई दैट वीडियोज इफ यू वॉन्ट टू मेक अ क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड अबाउट स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग. सो अगले टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, CO2. आप सभी को पता है कि CO2 भी एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का. डार्क रिएक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. इसकी अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. दिस विल आल्सो इफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में लगभग 0.3 से 0.03 से लगभग 0.04% CO2 है हमारे एटमॉस्फेयर. ठीक है, जैसे जैसे हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी. CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी, एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगी. बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, आपको ये पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट ओनली. और अब अगर आप इसमें बढ़ाएंगे CO2 का कंसंट्रेशन, तब फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हो सकता है फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन भी हो जाए. तो इसके लिए बहुत सारी ग्राफ्स आप बुक में देखेंगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक CO2 पे क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और लाइट का भी इफेक्ट हो सकता है फोटोसिंथेसिस पे. तो इसके रिगार्डिंग ग्राफ मैंने यहाँ पे नहीं लिए हुए हैं स्टूडेंट्स. आप चाहे तो यू कैन गो थ्रू इन योर बुक्स एंड विद देयर यू विल गेट ग्राफ्स ऑफ लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड CO. सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, कीप डूइंग हार्ड वर्क for your board exams, because after lockdown there will be your board exams. So don't be lazy, keep your content very well revised. So this is one of the very important message I always gives you. Be motivated and always be positive and spread positivity. Okay, if you feel positive, then only you can give positivity to others. So thank you dear friends, my students, my well-wishers, all my subscribers, thank you once again for your continuous support. And if you like this video, please hit the like button. और हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे स्टूडेंट्स दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.